मुकेश भाई ने देखिए सिर्फ एक साल और एक साल में ग्रो करके मिलियन से भी देखिए 1.5 मिलियन होने वाला है। आप कैसे इंट्रो देते हैं अपने ब्लॉग में थोड़ा बताइए तो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी जब आप पहला फर्स्ट टाइम जब जहाज में चढ़े तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको जहाज चढ़ के? खुशी हो रही थी कि गांव वाले सोचेंगे अरे उसका लड़का जो पहले पगलैती करता था, बकबक बकबक करता था, आज वो जहाज पर चढ़ गया। आपका पहला पेमेंट कितना आया था? पहला पेमेंट हमारे 10। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें लिए, मतलब जैसे ट्राइपॉड वगैरह, क्योंकि सपना था कि हम भी ट्राइपॉड कभी लेंगे। 500 का ट्राइपॉड लेने का हिम्मत नहीं था। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे वीडियो पे एक साथ आ गए हैं मुकेश साहनी जी। इनके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक है जहां पर मैंने इनके बारे में बोला था कि कैसे ये इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बट आज देखिए साथ में देख रहे हो ना, साथ में एकदम एक साथ एक फ्रेम में, क्योंकि ये यूपी से बिलोंग करते हैं और मैंने इनको इनवाइट किया था कि मुकेश भाई अगर टाइम मिले तो आप आइए, आपका भी एक इंटरव्यू हमारे चैनल पर आना चाहिए ताकि पब्लिक थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। क्यों दोस्तों, आप सबको पता होगा आपके मनोज भाई का चैनल देख सकते हैं, 6 साल हो गया इस चैनल को, ठीक है 2018 से ये मतलब कि ग्रो हुआ था, 4 साल मान के चलो फिर भी हो गया। 4 साल में मैंने 4 मिलियन किया है और मुकेश भाई ने देखिए सिर्फ 1 साल और 1 साल में ग्रो करके मिलियन से भी देखिए 1.5 मिलियन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो राज है ना, इतना तेजी से आखिर ग्रो हुआ कैसे ये चैनल, जबकि मैंने नहीं कर पाया इतना तेजी से, आप समझ रहे हो ना। मेरा ग्रो होने में 2 से 2.5 साल लग गया था, तब मतलब कि 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ था, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्पीड में हुआ है, लेकिन इनका 1 साल में ही 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या ट्रिक लगाया यूट्यूब पे, या फिर क्या ऐसा कुछ चूरन वगैरह है क्या कि चाट वाट लेगा, कोई बाबा जी दिए थे क्या आपको कुछ? थोड़ा फनी वे में हम बना रहे हैं क्योंकि सीरियस वीडियो बहुत हो जाता है, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊंगा कि आज के डेट में मुकेश भाई का लाइफस्टाइल में कितना परिवर्तन आया, क्योंकि एक ये मजदूर के फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पापा मजदूर है, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और आज के डेट पे यूट्यूब पे इनका अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, व्यूज भी अच्छा आ रहा है, तो सब कुछ डिटेल में मिलेगा। चलिए मुकेश भाई, सबसे पहले आपको वेलकम हमारे चैनल पर, बहुत अच्छा लगा आप अपना टाइम कीमती समय निकाल करके हमारे पास आए हैं हमारे स्टूडियो में, ठीक है। हमको तो सपना लग रहा है कि हम यहाँ पर आके आपके पास खड़े हैं, सच्ची बता रहे हैं, सपना लग रहा है लेकिन हकीकत है ना। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को भी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है भैया के। आप कैसे इंट्रो देते हैं अपने ब्लॉग में थोड़ा बताइए तो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है इनका इंट्रो जब ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और भाई ने अभी स्टार्टिंग में बोला कि ऐसा लग रहा है कि सपना है लेकिन आज हकीकत में हो गया, लेकिन ये हकीकत आपने लाया है अपने मेहनत से। यही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ आप सबको भी, आप मेरे घर पे मुझे ढूंढते हुए नहीं आइए, ऐसा दिन लाइए कि मैं आपको ढूंढते हुए बुलाऊं कि भाई मेरे पास आओ, ठीक है। और ये चीज आपको करना है, मेहनत करो ऐसा अपने आपको उस मुकाम पे हासिल करो, अपने आपको उस जगह पे लेके आओ ताकि मैं आपको खुद बुलाऊं और मैं ढूंढूं आपको, ठीक है, आप मुझे मत ढूंढो। चलो मुकेश भाई, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने YouTube चैनल स्टार्ट कब किया था, कौन से साल में किया था? 12 जनवरी को किया था, इसके 2022 में, मतलब 23 चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लगभग 1 साल 4 महीने हो चुके हैं। 1 साल 4 महीने आपके चैनल को हुआ। हाँ। तो आप पहले क्या वीडियो बनाते थे? पहले गेमिंग वीडियो डालते थे इस चैनल पर, इसके अलावा भी उसके पहले भी 1 साल पहले चैनल था दूसरा, उस पर भी गेमिंग डालते थे। पहले एक और चैनल था आप? हाँ। और इस वाले चैनल का नाम भी शायद आपने गरीब एमएस ब्लॉग, पहले गेमिंग था, पहले एमएस गेमिंग था, एमएस गेमिंग से सहानी। अच्छा, उसके बाद आपने बाद में इसको ब्लॉग गरीब एमएस गेमिंग कर दिया, उसके बाद गरीब एमएस ब्लॉग। आपका गेमिंग में कैसा व्यूज आता था पहले? गेमिंग वाला सब वीडियो हम डिलीट कर दिए। कैसा आता था व्यूज, कैसा आता था उस टाइम? पहले तो 10-20 व्यूज आता था, वो खुद के जीमेल से देखता था तब। खुद ही के जीमेल से देखते थे ना, स्टार्टिंग में सब ऐसे ही करते हैं, खुद ही वीडियो डाल के खुद ही देखते हैं, क्योंकि लोग देखता कहाँ है भाई, और शेयर करने से भी नहीं देखता। यहाँ तक कि आज का डेट ऐसा हो गया है ना कि अपने लोग ही नहीं देखते हैं, दूसरे देखेंगे, बाहर के लोग देखेंगे, अपने जो अगल बगल के होंगे जो जान पहचान का वो देखेगा ही नहीं, जलन से बोलेगा कि खोल देंगे देख व्यू बढ़ जाएगा, कम के शेयर करते हैं ना, पैसा कमा लेगा। पता भैया पहले शेयर करते थे ना, तो कहते कार बार बार अपना वीडियो भेजता रहता, दिमाग खराब करता है। तो लोगों का माइंडसेट में ये चीज रहता है कि एक व्यू बढ़ जाएगा तो पैसा आ जाएगा, माने उनको ऐसा लगता है ना। और एक चीज, एक गलत मिथ बैठा हुआ एक दिमाग में, माइंडसेट बैठा हुआ कि सब्सक्राइब कर देने से जितना ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाता है ना उतना ज्यादा पैसा मतलब आने लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल, पैसा किस चीज का मिलता है मुकेश भाई? व्यूज का। व्यूज का मिलता है, और व्यूज का भी नहीं मिलता, व्यूज में जो एड चलता है उस एड का पैसा मिलता है। अब अलग अलग चैनल का, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरीके का एड चलता है, इसीलिए अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग तरीके का अर्निंग भी होता है। मान लीजिए जैसे इनका एक वीडियो है 1 लाख व्यूज है, अब यही अगर टेक कैटेगरी के चैनल पे 1 लाख व्यूज आए तो इस वीडियो पे जितना इन्होंने पैसा कमाया है उसका वो 10 गुना तक कमा सकता है। तो ये चीज मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ। फिलहाल अभी मुकेश भाई का चैनल आप लोग देखो, लगभग 1.5 साल अब होने वाला है, और 1.5 सालों में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिया है, और व्यूज देखो आप लोग, सारे वीडियो में अच्छा खासा इनका व्यूज आता है, और अभी ये यूपी से निकले हुए थे
तो एरोप्लेन में भी चढ़े। ये एक सपना होता है एक गरीब परिवार का कि हाँ। जहाज हम कब चढ़ पाएंगे और चढ़ भी पाएंगे कि नहीं। और जब गांव में जहाज जाता है तो पूरा हल्ला करता है ना। हमारे गांव में वाला जहाज जाता भी नहीं ऊपर से। अच्छा जाता ही नहीं। हाँ। वो रूट ही नहीं पड़ता है ना। हाँ। अच्छा देखिए ये रूट से ही बाहर है, एरोप्लेन ऊपर से भी नहीं जाता इनका। नहीं। एकदम ऊपर में तो जाता होगा ना, धुआं जैसा छोटा सा दिखता है। एकदम रॉकेट जो होता है इतना दिखता है ना, वो जाता है। वो जाता है। ये वाला कभी नहीं जाता, छोटा वाला जाता है जो जाता है। नहीं यही रहता है। अच्छा वो ऊपर में छोटा दिखता है। अच्छा जो ऊपर जाता है यही धुआं फेंकता है। वो बहुत 30,000 फीट ऊपर में रहता है ना, इसलिए छोटा दिखता है, धुआं सिर्फ नजर आता है। मतलब जाता है, ऐसा नहीं कि आपके वहां नहीं जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ जब जाता है या फिर हेलीकॉप्टर तो कभी गया होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर कोई नेता मंत्री आया। हाँ, 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 बराबर। तो पूरा भीड़ लग जाता है हेलीकॉप्टर। हाँ, और बाहर छत पर सब देखते हैं कि जहाज जा रहा है, चल 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 चल, ऐसा कहते हैं। तो अभी जब पहला फर्स्ट टाइम जब जहाज में चढ़े तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको जहाज चढ़ के? सब पूछते थे भैया बता दीजिए, भैया कब जाएगा, कब कहाँ से होगा, सब पूछते थे। और जब चढ़े इस पर ना, तो जब देखते थे कि अरे जा रहा ऊपर आ रहे थे, पीछे पीछे पकड़ सीट बोलते थे, नहीं डर जाएंगे। डर भी लग रहा था और लेकिन खुशी हो रही थी कि गांव वाले सोचेंगे अरे उसका लड़का जो पहले पगलाइती करता था, बकबक बकबक करता था, आज वो जहाज पर चढ़ गया, तो वाला की खुशी मिल रही है। अच्छा आपने अब एक पॉइंट बोला, आपका गाँव वाला क्या मतलब बोलता था ऐसा कि आप मतलब कि ये पागल हो गया है? हाँ, हर वीडियो जब बनाते थे गाँव वालों को तो दूर की बात है, घर वाले भी बोलते थे। घर वाले भी बोलते थे? हाँ घर वाले क्या, पिताजी तो बस इतना नहीं कहते, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकल जाओ, मुंह से जितने शब्द होते हैं गंदे सब सब बोल दिए थे। अच्छा मतलब डांट फटकार भी आपने काफी सुना है, मतलब सबका सेम ही सीन होता है जो गांव से बिलोंग करते हैं, खास करके ये सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता है, अभी भी नहीं करता है फैमिली कि मतलब क्या है ये सब वीडियो वीडियो बना के क्या ही हो गए, है ना। खैर कोई नहीं, प्रूफ कीजिए, लोगों को साबित कीजिए, दिखाइए करके। आप दिखा भी रहे हैं, मैं अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है तो अभी आप ये बताओ कि जैसे आपने YouTube से पहले आप क्या करते थे? YouTube दिहाड़ी मजदूरी। मजदूरी आप भी करते? ईटा उटा शायद आप ये? हाँ, ईटा उटा जैसे घर बनता था ना, तो जब हम 14 साल के थे तब भी काम वगैरह करके साइकिल खरीदे थे पढ़ने जाने के लिए, क्योंकि पिताजी के पास उतना पैसा नहीं था कि 3-4 हज़ार का साइकिल खरीद सके। तो आप उस टाइम कितना महीने में कमाते थे? उस समय तो 7 साल पहले तो 200 मिलता था, यानी कि 6 हज़ार एक दिन का, और 4-6 महीना पहले भी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने फोन का रिचार्ज कराता था वीडियो अपलोड करने के लिए, तो 300 मिलता था एक दिन का, महीने का। मतलब महीने में तो 9,000 कैसे होगा? डेली तो नहीं, नहीं डेली नहीं, कम काम नहीं चलता हो गया, कभी काम नहीं मिल रहा है। वो तो हमें बता रहे हैं डेली अगर महीने करेंगे तो। मतलब आप 7,000 रुपया महीने में कमा लेते थे? हाँ लगभग लगभग, है ना। हाँ। थोड़ा प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, अभी के टाइम पे। हाँ। YouTube आपका अच्छा खासा चल रहा है, व्यूज हाँ। भी अच्छा आ रहा है, वैसे ब्लॉग कैटेगरी तो अर्निंग तो थोड़ा कम होता है, RPM डाउन रहता है। हाँ, फिक्स है। लेकिन अभी के टाइम पे आप ये बताओ, जैसे आपने अभी तक YouTube से मतलब क्या क्या लिया, क्या क्या लिया YouTube से? सबसे पहले भैया मैंने क्या था कि जैसे कहीं आना जाना रहता था तो हमारा जो फर्स्ट पेमेंट आया था तो हमारा प्लान था कि कुछ आने जाने का व्यवस्था हो जाए, तो फर्स्ट पेमेंट जितना आया था वो भी बताएंगे पूरा क्लियर। तो मेन बात यह था कि कुछ ले लें साधन, तो साइकिल लेने का प्लान बना, क्योंकि साइकिल 5-6 साल से चलाने का एक्सपीरियंस था, साइकिल ले लिए। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिए, मतलब जैसे ट्राईपॉड वगैरह, क्योंकि सपना था कि हम भी ट्राईपॉड कभी लेंगे। 500 का ट्राईपॉड लेने का हिम्मत नहीं था क्योंकि 300 भी नहीं होता था। हाँ 300 कमाते थे तो 500 का जुगाड़ कहाँ से करे, रिचार्ज में चले जाते थे सब। उसके बाद हमने एक फ़ोन लिया था 1+11 का, जो कि जब लिए थे ना तो घर वाले डांट रहे थे। कितना का फ़ोन था वो? 62,000 का फ़ोन था। 62,000? हाँ घर वाले बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। 62,000 रुपया एक मिडिल फैमिली, मतलब गरीब फैमिली, मिडिल भी नहीं बोल सकते, एक तो बहुत ही गरीब फैमिली से ये बिलोंग करते थे। 62,000 का फोन आपने खरीदा था? हाँ। 1+ 62,000 रुपया उस टाइम ना बैंक बैलेंस नहीं होता है लोगों के पास, है ना। हम जैसे लोगों के पास मतलब बैंक बैलेंस भी नहीं हुआ करता है। तो इतना महंगा आपने फोन लिया, उसके बाद तो वो फोन टूट गया, फोन ही टूट गया। हाँ डिस्प्ले पूरा खराब हो गया था। तो बनाया नहीं आपने? तो वही अपना नहीं, अभी नहीं बनवाया क्योंकि अभी पेमेंट आएगा तो सोचेंगे, क्योंकि उसमें 20,000 खर्चा लग रहा है। अच्छा, तो सोचना पड़ता है मतलब कि 20,000 कैसे लगाएंगे, एक दूसरा फोन खरीद लेंगे उतने में। तो इसे रियलमी 5 का जो 3GB रैम वाला सिम शुरुआत किए थे 4 साल पहले, उसी से बनाते हैं। और कोई खास चेंजेस नहीं किया हमने। हाँ रिसेंट में ही भैया अपना जो यूट्यूब सेटअप होता है झोपड़ी वाला, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा दिया, थोड़ा सा अच्छा करा दिया, उसमें कुछ खर्च आए हैं। मतलब आपका पहला पेमेंट कितना आया था? पहला पेमेंट हमारे 10,000 आया था। 10,000 आया था, कब आया था, कितना दिन पहले? यूट्यूब पर जब हम लग गए थे। आपने मतलब ये बताओ कि टोटल कितना पेमेंट अभी तक आपने उठाया यूट्यूब? टोटल 4 पेमेंट आया है, पहला तो 10 आया था। और यही चीज सुनना था, मैं आपको बता दूं 4 ही महीना अभी तक 4 पेमेंट उठाया है। 4 पेमेंट में ही इन्होंने कितना कुछ कर लिया अभी तक, सुना आपने? फोन भी लिया, साइकिल खरीदा, अच्छा खासा अभी के टाइम में पैसा भी कमा रहा है, हवाई जहाज भी चढ़ लिया, घूम भी रहा है, YouTube के पैसे से सब कुछ है, मतलब खान पान पहना कपड़ा अपड़ा सब YouTube के ही पैसे, सब सिर्फ 4 पेमेंट में। और जब ये 40 पेमेंट हो जाएगा तब क्या होगा मुकेश भाई? तब घर बन जाएगा, जो घर बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 40 पेमेंट में ना। और अगर 400 पेमेंट उठा लीजिएगा तो जमीन खरीदेंगे? नहीं नहीं, घर बन जाए,
घर देखिए भाई, घर बन जाए सबसे पहले वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना घर जो है ना अभी ऐसा सीन है, कच्चा मकान है, और जब बारिश होता है तो पानी घर के अंदर भर जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों ने सीखा कि YouTube से कितना ज्यादा इनकम होता है। आप लोगों को जस्ट मैंने ये दिखा दिया कि YouTube पे सिर्फ 4 ही महीना का अभी तक भाई पेमेंट आया, क्योंकि ये जस्ट अभी नया नया चैनल ग्रो हुआ है। 4 महीने में इन्होंने इतना कुछ कर लिया, और आगे अभी कितना कुछ करेंगे जैसे जैसे पुराने होंगे, 1-2 साल हो जाएगा उसके बाद देखिएगा। मुकेश भाई एक अच्छा सा घर भी बनाइएगा, जिसको दलान बोलते हैं ना गांव में, जो ढलाई होता है, ढलाई वाला घर। अभी तो कच्चा मकान है आपका, तो ढलाई वाला एक घर भी बना लीजिएगा, है ना। गाड़ी घोड़ा जो मन में आए वो कर लीजिएगा, सब सपना पूरा हो जाएगा। मेहनत करते रहिए, और आप सही ऐसे भी मेहनत करते ही है, और आप सबको भी मैं यही शिक्षा दूंगा कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। भाई ने भी काफी मेहनत किया इसके पीछे, एंड आई होप आज की इस वीडियो से आप लोग काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला ही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मुकेश भाई का चैनल भी चेक कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।